नमस्कार, मैं हूं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मतदाता दिवस पर कई कार्यक्रम, एडीएम ने दिलाया लोकतांत्रिक परंपराओं की पालना का संकल्प। नोहर में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, आरोपी भी है नाबालिग। सरस्वती गर्ल्स कॉलेज का वार्षिकोत्सव, पूर्व मंत्री विनोद कुमार और सांसद भरत राम ने की शिरकत। पीलीबंगा के बीईओ से खफा है शिक्षक संघ, 27 जनवरी को करेंगे घेराव। अब समाचार विस्तार से। लोकतंत्र की मजबूती तभी संभव है जब संसद अथवा विधानसभाओं में शिक्षित और संस्कारी लोग चुनकर जाएं, और यह तभी संभव है जब मतदाता वोट डालते वक्त जाति और धर्म से परे होकर मतदान में शिरकत करे। इसी बात को लेकर एडीएम बीएल मेहडा ने अधिकारियों, कर्मचारियों और युवाओं को संकल्प दिलाया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस धूमधाम से मनाया गया। राजकीय एनपीजी कॉलेज में हुए कार्यक्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहडा, रिटर्निंग अधिकारी करतार सिंह पुनिया, तहसीलदार सुरेंद्र जाखड़, विप्राचार्य सरवन सिंह आदि मौजूद थे। वक्ताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक मजबूती के लिए जरूरी है कि हम अनिवार्य रूप से मतदान करें। मतदान करते वक्त यह ध्यान रखें कि जिस प्रतिनिधि को हम वोट दे रहे हैं, क्या वे इसके लिए पात्र हैं। वक्ताओं ने शिक्षित, अनुभवी, सहनशील और सबको साथ लेकर चलने वालों को वोट देने की बात कही। एडीएम बीएल मेहडा ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार आम आदमी के पास है और वह वोट है, जिससे वह अपनी मर्जी की सरकार बना सकता है। इसका उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। एडीएम ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारी, कर्मचारियों सहित विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया गया। बाद में उन्होंने सभी को लोकतांत्रिक मर्यादा की पालना की शपथ दिलाई। हम भारत के नागरिक, हम भारत के नागरिक, लोकतंत्र में, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए, अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं, यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हमारा जो जिला है ये राजस्थान में मतदाता प्रतिशत में द्वितीय स्थान पर रहा था, और आज प्रेरित किया गया कि हमें पहले स्थान पर आना है। वैसे जो संगरिया है वो पूरे राजस्थान में पहले स्थान पर रहा है। तो युवा मतदाताओं को और जोड़ने के लिए एडीएम साहब ने बताया था कि बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, और अभी भी कम से कम 52,000 मतदाता जो हैं और जुड़े हैं नए। स्वदेशी जागरण मंच का कार्यक्रम रविवार को होगा। इसमें खास तौर पर शिरकत करने हनुमानगढ़ पहुंचेंगे प्रदेश संयोजक भागीरथ चौधरी। संभाग सह संयोजक मोहन चंगोई के मुताबिक दुर्गा मंदिर धर्मशाला में होने वाले कार्यक्रम में चौधरी कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे। नोहर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक दो किशोरों ने किशोरी को नशे की गोलियां खिलाई और डरा धमका कर उसका शोषण किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कस्बे में एक नाबालिग लड़की के साथ दो किशोरों द्वारा चाकू की नोक पर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला शुक्रवार को नोहर थाना में दर्ज हुआ है। घटना कस्बे के कली भट्टे के पास गुरुवार दोपहर की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यहां के वार्ड नंबर 19 निवासी नाबालिग पीड़िता गुरुवार दोपहर घर से कहीं जा रही थी। इसी दौरान उसी वार्ड के रहने वाले सुनील रेगर उसे जबरदस्ती चाकू की नोक दिखाकर उठाकर सुने मकान में ले गए। पीछे से शाहरुख बिसायती भी मकान में आ गया। दोनों ने उसे डराया, धमकाया तथा जान से मारने की धमकी दी। दोनों ने जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों आरोपी उसे जबरदस्ती नशे की गोलियां खिलाती
और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी। प्राथमिकी के अनुसार नशे की गोलियां खिलाने से उसे होश नहीं रहा। पीड़िता के परिजनों ने शुक्रवार को इस संबंध में पुलिस को सूचना दी। शुक्रवार को पुलिस ने कमरे का ताला तोड़कर पीड़िता को बरामद किया। पीड़िता को बाद में चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। बाद में पीड़िता को होश आने पर उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस उपाधीक्षक रामचंद्र चौधरी, थाना प्रभारी विजय मीणा ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों की गहनता से तलाश की जा रही है, उन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने पीड़िता की चिकित्सीय जांच भी करवाई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मेरे मुंह भेज दियो, मन अंदर ले गयो ना सही गोली दे दी, मैं सारा गलत काम कर लियो। ठीक है, पहले पहले मैं भी लात मारी, जब वो बिंद का ज्यादा भिड़ गयो, फिर वो टूप लाइट हाथ में आई, वो टूप लाइट मारियो मेरे पैर पर, फिर चाकू मारियो हाथ पर। दो जना अकेलो काम करियो यो, एक जनो बारह बैठो। हाँ डराय चक्कू का चक्कू मार दियो, तू गोली ना ली है तू। बेहोश हो गई, कई देर बाद में फिर मालूम नहीं क्या करा के। पीड़िता ने आज एक मुकदमा दर्ज करवाया थाने को दाखिल के मेरे साथ। कल दोपहर में दो लड़कों ने जबरदस्ती मकान में सुने मकान में ले जाके बलात्कार किया। मोहर का पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवा दिया गया है और उनके तफ्तीश जारी है। सरस्वती गर्ल्स कॉलेज का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। पूर्व मंत्री चौधरी विनोद कुमार और सांसद भरतराम मेघवाल भी शामिल हुए। उन्होंने नारी शिक्षा के क्षेत्र में सरस्वती गर्ल्स कॉलेज के योगदान की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित सरस्वती गर्ल्स कॉलेज का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि थे पूर्व मंत्री चौधरी विनोद कुमार, अध्यक्षता की सांसद भरतराम मेघवाल ने, प्रबंध समिति अध्यक्ष पदम जैन, कोषाध्यक्ष गोपाल जिंदल, रविंद्र अरोड़ा, प्राचार्य वीएम सैनी, मोतीराम कंदोई और अमृत सिंगला आदि भी मौजूद थे। उत्कृष्ट शिक्षा के लिए छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। सांसद भरतराम मेघवाल ने नारी शिक्षा को आवश्यक बताते हुए कहा कि इसके बगैर जीवन अधूरा है। उन्होंने कहा कि एक बेटी के पढ़ने से दो परिवार और समाज का भला होता है। आप एक बहुत ही पुण्य काम कर रहे हैं, क्योंकि महिला शिक्षा ये सबसे पुण्य काम है। महिला शिक्षा का एक महात्मा ने कहा था कि महिला शिक्षा वो शिक्षा है, वो दहलीज का दीपक है, जो दहलीज के बीच में दीपक रखा जाता है वो घर के अंदर भी प्रकाश करता है और घर के बाहर के चौक में भी प्रकाश करता है। तो महिला शिक्षा पीर वंश का भी विकास करती है और ससुराल में जाके ससुराल पक्ष का भी विकास करती है। तो महिला शिक्षा बहुत ही जरूरी है। हम सब अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा दिलवाएं। आज महिलाएं कम नहीं, हमारे लोकसभा की स्पीकर महिला है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला है, राजस्थान की मुख्यमंत्री भी महिला है। सरस्वती गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं न सिर्फ पढ़ाई बल्कि सांस्कृतिक कार्यों में भी अग्रणी हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्राओं ने एक के बाद एक शानदार प्रस्तुतियां देकर मंत्रमुग्ध किया।
mira, no desvíes la mirada. Quédate cerca de mí. Busco bajo mi sombrero, sangrina, señorita. अधिकारी से खफा है। प्रतिनिधियों ने संबंध में डीईओ को अपनी भावना से अवगत करवाया। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर बीईओ ने अपने रवैये में सुधार नहीं किया तो वे 27 जनवरी को पीलीबंगा जाकर उनका घेराव करेंगे। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का प्रतिनिधिमंडल जिला शिक्षा अधिकारी से मिला। जिलाध्यक्ष प्रवीण कासनिया, हरलाल ढाका और जगदीश यादव के नेतृत्व में शिक्षकों ने अधिकारियों के सामने इस बात को लेकर रोष जताया कि बीईओ पीलीबंगा अपने दायित्वों को लेकर गंभीर नहीं है। जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी मोहनलाल और प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी भोजराज ने समस्याओं को गौर से सुना और निराकरण का आश्वासन दिया। शिक्षक नेता हरलाल ढाका के मुताबिक सरकार बदल गई लेकिन अधिकारियों की ठसक बरकरार है। पीलीबंगा के बीईओ तो खुलेआम कहते हैं जहां मर्जी स्थानांतरण करवा दो। सितंबर 2013 में एक समझौता हुआ हमारे संगठन के साथ, जिसमें अध्यापकों के संबंध में 12 मुख्य मांगे थी और उस समझौते को आज तक पीलीबंगा बीओ ने लागू नहीं किया है। पीलीबंगा बीओ कृष्णलाल सिंह की इस हठधर्मिता को देखते हुए संगठन ने आज जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक से बात की है। समय पर वेतन जमा हो, पोसार की राशि समय पर जमा हो, विद्यालय में पोसार समय पर पहुंचे, जिन विद्यालयों में किचन सेट की आवश्यकता है वहां पर किचन सेट बने, इस प्रकार की न्यायोचित मांगे छात्रों और अध्यापकों से संबंधित मांगे थी, लेकिन पीलीबंगा बीओ ने हठधर्मिता अपना रखी है। उनका सिर्फ एक ही जवाब है कि मेरी लापरवाही है, मुझे यहाँ से जहाँ भेजना भेज दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार बदल गई लेकिन उस पीलीबंगा बीओ का रवैया आज तक नहीं बदला है। इसीलिए हमने आज जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक से मिलकर के हमारी बातों के संबंध में ज्ञापन दिया है। ढाका ने चेतावनी दी कि अगर निर्धारित समय में पीलीबंगा के बीईओ अपने रवैये में सुधार नहीं करते तो शिक्षक संघ 27 जनवरी की शाम पीलीबंगा में उनका घेराव करेगा। 27 तारीख को राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत शाम को 5 बजे अनिश्चितकालीन घेराव करेगा पीलीबंगा बीओ का। यदि उनकी कार्यशैली में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है तो 27 तारीख का निर्णय लिया है, हम उनका घेराव करेंगे। समाचार अभी और भी अनेक तरह दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नजदीक श्रीराम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन।
के टैगोर पीसी कॉलेज में बीकानेर संभाग का आईटी मैनेजमेंट सेमिनार आयोजित हुआ, जिसमें हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर व चूरू जिले के विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सेमिनार में हनुमानगढ़ की छात्रा सिमरनजीत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। जंक्शन के बेबी हैप्पी मॉडर्न पीसी कॉलेज की छात्रा सिमरनजीत कौर का आईटी मैनेजमेंट सेमिनार में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर कॉलेज प्रांगण में अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज डायरेक्टर तरुण विजय, प्रशासक परमानंद सैनी, प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, संतोष चौधरी, बलदेव पुरोहित आदि ने छात्रा की इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। छात्रा सिमरनजीत ने अपनी सफलता का श्रेय कॉलेज स्टाफ व सहपाठियों को दिया। छात्रा हूँ और मैंने सूरतगढ़ के टैगोर पीजी महाविद्यालय जिसमें आईटी एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड सेमिनार हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें चारों जिलों हनुमानगढ़, बीकानेर, सूरतगढ़ और चूरू से विद्यार्थी आए हुए थे, जिसमें मैंने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। स्कूलों में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेल गतिविधियों का ज्ञान भी बखूबी मिलता है। बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में खेलों का बढ़ावा दिया जाता है। टाउन स्थित लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल में दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में नर्सरी से पांचवी कक्षा तक के बच्चों ने बड़े उत्साह से विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। शनिवार को समापन से पूर्व चम्मच दौड़, बाधा दौड़, शूज रेस, बैग रेस, म्यूजिकल चेयर, रिले रेस, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, लंबी कूद आदि प्रतियोगिताएं करवाई गई। शाला समिति द्वारा सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। हमारे लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल प्रांगण में दो दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता, जिसका कल उद्घाटन हुआ था, आज उसका समापन हुआ है। इस प्रतियोगिता में सभी बच्चों ने बड़े ही उत्साह से भाग लिए। छोटे बच्चों की रेसेस करवाई गई और इंटर हाउस, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो और स्पेशली इस बार काइट फ्लाइंग का जो कंपटीशन था वो करवाया गया और आज समापन हुआ। सब बच्चों को इसमें पुरस्कार दिए गए हैं। सर्दी का असर बरकरार है। शुक्रवार की रात पिछले दिनों की तुलना में ठंड का असर ज्यादा रहा। रात से ही घना कोहरा छाया रहा, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। घना कोहरा छाए रहने से सर्दी का असर बरकरार है। बीती रात घना कोहरा छाया रहा, कोहरे की चादर में शहर सिमटा हुआ नजर आया। शनिवार दोपहर तक कोहरे ने अपना असर दिखाया, जिससे वाहन चालकों और आम लोगों को काफी परेशानी हुई। दोपहर बाद धूप खिलने से लोगों को राहत महसूस हुई। और भी वक्त हेडलाइंस का। लोकप्रिय पंजाबी गायक हरभजन मान का मानना है कि एक्टिंग और गाना दोनों उनके लिए मायने रखता है, लेकिन जब प्राथमिकता की बात आती है तो वे गाने को पहले तवज्जो देते हैं। स्काई चैनल के साथ बातचीत में उन्होंने यह बात कही। पेश है हरभजन मान के इंटरव्यू का अंश। सफल अभिनेता भी हैं और साथ में एक बहुत मशहूर गायक भी है, दोनों में सामंजस्य कैसे तय कर पाते हैं आप? देखो, मैं पहले गायक हूँ जी, उसके बाद अभिनेता हूँ। तो मेरे फैसला किया, साल में एक से ज्यादा मैं फिल्म नहीं करता,
तो कोशिश होती है कि अच्छी फिल्म भी करूं और गाना, क्योंकि स्टेज शोज ये सब से पहला अहम प्यार है मेरा। तो जब गाने की बात आती है तो फिल्में सेकेंडरी हैं, पहले गाना है। जी। माँ पर आपने खूब गाया है। जी। क्या वजह क्या है? मेरे पहले तो खुद बचपन में माँ, मेरी खुद मदर की डेथ हो गई थी जी, और दूसरा किसी मजहब किसी धर्म की बात करें तो जो सबसे बड़ा रुतबा जो सबसे बड़ा सत्कार है वो माँ को दिया जाता है। सो माँ को सत्कार देना, माँ को प्यार देना, मैं समझता हूँ सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं बल्कि सभी इंसान की ये फर्ज बनता है जी। कहा जाता है कि अक्सर आप बाबूजी मान के गाने ज्यादा गाते हैं, वजह क्या है? देखो एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, दिल मिलिया दे मेले है जी। सो दिल उन्होंने मिलया, उन्होंने कलम नाल मिलया हुआ, ही अंडरस्टैंड मी, वो मेरे को समझते हैं, मैं उनकी शायरी को समझता हूँ। तो बाकी सभी लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, कोई ऐसा नहीं कि किसी का और गाना नहीं गाना, बस सिर्फ कभी जरूरत महसूस नहीं की। कहा जाता है कि पंजाबी गीत को देखा ज्यादा जाने लगा है और महसूस कम किया जाने लगा है, इसका वजह क्या है? इसका वजह टेलीविजन है जी, आज घर घर में टेलीविजन है, फोन में, फेसबुक, इंटरनेट, यूट्यूब, तो गाना इसमें कोई शक नहीं कि देखने की चीज बन गया है, लेकिन हम उस मीडियम को, उस माध्यम को गलत यूज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर गाना अच्छा पिक्चराइज हो तो वो गाना कहाँ से कहाँ चला जाता है। जैसे मेरा गाना मिर्जा था, तो वो मिर्जा एक बहुत ठेठ रस्टिक जो उसकी कहानी है, जो उसके बोल हैं, वो हर नॉन पंजाबी के समझ नहीं आने वाले, लेकिन वीडियो इतना खूबसूरत था कि मैं चाहे अलीगढ़ चला जाऊं, चाहे मैं दिल्ली में हूं या अभी आपके यहां आया हूं, तो वहां भी लोग फरमाइश करते हैं कि जी मिर्जा जरूर सुनाओ। सो वीडियो गाने की कैसे बनाते हो, उसमें क्या दिखाते हो, इस चीज पे बहुत निर्भर करता है। आप बहुत व्यस्त हैं, अभिनय भी करते हैं, गीत भी गाते हैं, लेकिन फिर भी राजनीति के लिए वक्त कैसे टाइम निकालिया? नहीं, मैंने राजनीति बिल्कुल नहीं अपनाई जी, मैंने सिर्फ एक मोहाली जो प्लानिंग बोर्ड है हमारा, उसका चेयरमैन मैंने 1.5 साल वो पोस्ट रखी है, तो वो उस मन में था कि कुछ शहर के लिए अच्छा करें, बाकी मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, लेकिन उससे भी मैंने इस्तीफा दे दिया है। मेरा राजनीति में आने का कोई मन में नहीं है, मैंने सिर्फ और गाने के जरिए या फिल्म के जरिए पंजाबी की सेवा करनी है। चर्चा रहे कि आप लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने बिल्कुल, मैं बार बार इस चीज़ का खंडन करता हूँ जी, मेरे पे प्रेशर था, लेकिन मेरी कोई इच्छा इलेक्शन लड़ने की नहीं है जी, लोगों से बड़ा मेरे लिए प्यार नहीं है। आज दुनिया भर के जो पंजाबी हैं, हिंदुस्तानी हैं, पंजाबी गाने को प्यार करने वाले हैं, वो मेरे को प्यार करते हैं, तो कल मैं एक एरिया में सीमित होकर रह जाऊंगा जी। तो मैं चाहता हूं कि मैं आज़ाद रहूं, एक कलाकार हूं और खूब गाने गाऊं, लाइफ को एंजॉय करूं, लोगों का मनोरंजन करूं, और मेरा ख्याल है कि जब से ये बात मैंने क्लियर की है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो मेरा ख्याल बहुत सारे मेरे फैंस, प्यार करने वाले, वो दिल से खुश हैं कि हरभजन सिर्फ गाने को समर्पित है जी। आखिर में अपनी प्लानिंग के बारे में थोड़ी बताइए कि कोई उनसे फिल्म आ रही है, क्या एल्बम? फिल्म अभी शुरू होगी जी, फरवरी में उसकी शूटिंग शुरू होगी, उसका नाम है गद्दार द ट्रेटर, उससे बाद शूटिंग होगी शुरू, फिर मई में मेरी इंग्लैंड के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं सुखशिंदर छिंदा, उनके साथ पहले मेरी दिल अपना पंजाबी फिल्म का म्यूजिक छिंदा जी ने दिया था, तो उनके साथ एल्बम की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, उसका टाइटल वगैरह नहीं अभी रखा। लास्ट में एक सबसे जो प्रिय गाना है आपका, सबसे वो आप दो लाइन। मां नु सारे पोते प्यारे हुंदे जी, सो मेरे लिए 20-22 साल में मैं कहूँ कि ये गाना सबसे फेवरेट, ये मन की वास्ता है, किसी वक्त मेरे को गल्ला गोरियां बहुत अच्छा लगता है, किसी वक्त मेरे को मिर्जा अच्छा लगता है, अब मेरे बड़े भाई बहुत प्यारे थे मेरे, बहुत उसके साथ मेरी दिल की सांझ थी, उसकी डेथ होगी तो मेरे को मानना मर जाना, पीछे यादा रह जानी है, वो बहुत है। क्योंकि जो चीज़ है जद दिल खुश है तो जग सोहना सोहना लगता है, कुदरत हुंदी अपने अंदर दा परछावा, यहाँ क्या महसूस कर रहे हो उसी लिहाज से आपको वो गाना, किसी दिन आपको कोई गाना अच्छा लगता है, आपको किसी दिन खाना कोई अच्छा लगता है नहीं लगता है, किसी दिन आप सुबह से तैयार होकर बैठ जाते हो, अच्छा कपड़ा पहनने को मन करता है, किसी दिन आप सारा दिन नहाते भी नहीं, ऐसे ही बैठे रहते हो, सो मन की वास्ता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को गल्ला गोरियां, जग ज्योंदियां दे मेले या भिजगी कुर्ती लाल, ये सब गाने पसंद आए जी। गोरिया ही सुना दे, दो लाइन। हाँ, आपकी फरमाइश में गल्ला गोरिया जी जी, और आपकी गाल में भी खड्डे हैं।
गल गोरिया दे विच टोए असी मर गए नी ओए होए ओए होए दहाई पै गई ओ कुड़ी कढ के काल जा कुड़ी कढ के काल जा लै गई हो गल गोरिया दे विच टोए असी मर गए नी ओए होए। फेविकोल निर्माता कंपनी द्वारा हनुमानगढ़ में फेविकोल चैंपियन क्लब की स्थापना की गई। लकड़ी व्यवसाय से जुड़े कारपेंटर इस क्लब के सदस्य हैं। हनुमानगढ़ में फेविकोल चैंपियन क्लब की दूसरी शाखा का शनिवार को शुभारंभ हुआ। शाखा प्रभारी रवि भाटी ने बताया कि क्लब के माध्यम से सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही इस क्लब के सदस्य जो लकड़ी व्यवसाय से जुड़े कारपेंटर हैं, उनके सहयोग से क्लब का संचालन किया जाएगा। फेविकोल के निर्माता पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे एक फेविकोल चैंपियन क्लब की स्थापना की गई। इसमें हनुमानगढ़ वन चैप्टर हमने पिछले साल बनाया था, अभी हनुमानगढ़ टू चैप्टर का आज स्थापना हुआ है। इसमें क्लब के करीब 87 मेंबर हैं जो कारपेंटर भाई लकड़ी से व्यवसाय से जुड़े हुए मेंबर रहते हैं। इसके अंदर क्लब उनसे रिलेटेड बहुत सारी गतिविधियां करता है, खुद के विकास के लिए पारिवारिक रिलेटेड एक्टिविटी और समाज से रिलेटेड एक्टिविटी होता रहता है। इनसे इन कारीगर भाइयों का खुद का विकास, समाज का विकास, परिवार का विकास होता है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।